70 सेकंड और तीन टावर धड़ाम। अभी आपको तीनों टावर सही सलामत दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये तीनों टावर एक एक करके ध्वस्त हो जाएंगे। पानीपत थर्मल पावर यूनिट के 105 मीटर ऊंचे तीन कूलिंग टावर को ब्लास्ट के जरिए गिराया गया। तीनों टावर को गिराने के लिए 650 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। एक कूलिंग टावर को 15 दिन पहले प्रयोग के तौर पर ब्लास्ट के जरिए ध्वस्त किया गया था और अब बचे हुए तीनों टावरों को गिराया गया है। देश में पहली बार हुआ है ऐसे किसी थर्मल टावर को ध्वस्त किया गया है। पानीपत थर्मल की चारों यूनिटों को 30 जून 2015 को सरकार ने बंद करने का फैसला लिया था। ये सभी यूनिट खराब हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।